कभी कभी ऐसे लगता है जब वो मार रहे चंद्रेश, मुझे पता नहीं अगर आपने नोटिस किया, खैर इसी बीच अगला ओवर इसे पुल कर दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर है वहां पे एक बाउंस पर कटिंग ने पकड़ा, 50 रन हो गए हैं टिम डेविड के 18 गेंदों में, बहुत बेहतरीन पारी यहां पे। और चंद्रेश आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जब भी उन्होंने ऐसे बड़े शॉट खेले कई बार लगा है कि ये आराम से फील्डर के हाथ में जाएगा, मगर जब हम देखते हैं बाउंड्री के काफी पार चले जाते हैं। बिल्कुल, ये उनकी खासियत है, टाइमिंग बढ़िया होता है और इसीलिए वो 18 गेंदों में 50 बनाने वाले बल्लेबाज हैं इस वक्त। और पॉल स्टर्लिंग का उन्होंने बराबरी कर दिया यहाँ पर, इस साल सबसे तेज अर्धशतक बनाने वालों में से पॉल स्टर्लिंग और आज टिम डेविड। पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड के सलामी बल्लेबाज है और टिम डेविड है सिंगापुर से पर हैं ऑस्ट्रेलियाई मूल के। अब 196 दो विकेट के नुकसान पर इस ओवर की तीसरी गेंद, इस बार इरशाद ने जोरदार प्रहार किया पर गेंद सीधे वापस इरशाद के पास गई, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई रन भी नहीं बना और ऐसा लग रहा है 200 के पार बड़े आसानी से यहाँ पर मुल्तान सुल्तान्स हो जाएगा। और अगर हम फास्टेस्ट 50 की इस सीजन में लिस्ट देंगे तो टिम डेविड और पॉल स्टर्लिंग ने डोमिनेट किया है, क्योंकि 5 में से 4 तो इन दोनों के नाम है, 2 स्टर्लिंग के, 2 डेविड के। और टिम डेविड का जो योगदान रहा है बहुत बेहतरीन रहा है, खास करके वो उनकी पारी जो है एक फर्क बताती है कि 210 और 190 में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप जब 190 के ऊपर जाते हो और आप चेस कर रहे रहते हो, एक या दो अच्छे ओवर में आपका रिक्वायर्ड रेट एकदम ऊपर चला जाता है। और अभी इसी के साथ टिम डेविड ने इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं, 15 छक्के मारे हैं, शादाब खान दूसरे स्थान पर, उन्होंने 14 मारे। देखिए इस तरह से टिम डेविड ने अपना एक छाप छोड़ा है SPSL पर।